हैं भाईजान इसी साल, कभी ईद कभी दिवाली, अब इस खास मौके पर होगी रिलीज। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान अपनी आगामी फिल्में टाइगर 3 और कभी ईद कभी दिवाली को लेकर काफी चर्चे में हैं। अब उनकी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। खबर है कि अभिनेता सलमान खान की ये फिल्म उनके जन्मदिन वाले हफ्ते में रिलीज होगी, यानी कि इस साल के अंत में। इतना ही नहीं, सलमान जल्द ही फिल्म की शूटिंग को शुरू कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग को अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभिनेता इन दिनों टाइगर 3 के शेड्यूल की शूटिंग में व्यस्त है। इस फिल्म में सलमान खान कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी के साथ एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। हाल ही में सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की रिलीज को लेकर भी खबरें आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि अगले साल यानी 2023 को ईद के मौके पर रिलीज होगी। हालांकि अब फिल्म की रिलीज डेट चेंज करके भाईजान के जन्मदिन वाले हफ्ते में, यानी कि इसी साल के अंत में रिलीज करने का प्लान चल रहा है। बता दें कि इससे पहले इस फिल्म को साल 2021 में ईद के मौके पर रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था। इस वजह से फिल्म को टाल दिया गया था। इस फिल्म में सलमान खान के साथ पूजा हेगड़े मुख्य किरदार में नजर आने वाली है। फिल्म में सलमान और पूजा के अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता वेंकटेश भी अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं। वहीं बात अगर उनके वर्क फ्रंट की करें तो वो इस साल बैक टू बैक कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं और वो जल्द टाइगर फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म टाइगर 3 के अंतिम शेड्यूल की शूटिंग को शुरू कर सकते हैं। इस फिल्म में वो रॉ एजेंट के किरदार में नजर आएंगे, जबकि कैटरीना आईएसआई एजेंट जोया का किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा सलमान खान पठान बजरंगी भाईजान 2 में भी नजर आने वाले हैं।